आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से काफी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2024 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से वीडियो हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की जो मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रही है। ये बड़ी अपडेट जसप्रीत बुमराह की तरफ से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे आपको जो कंटेंट क्रिएटर है जो कि क्रिकेट के वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने आप लोगों को बताया था कि जसप्रीत बुमराह में ट्रेड होते हुए दिखने वाले है या फिर एमआई की टीम की ओर से रिलीज होते हुए दिखने वाले। तो दोस्तों हमने आपको पहले बोला था कि फेक न्यूज है, हमें बुमराह कहीं पर भी जाते हुए नहीं दिखने वाले, हमें मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर ही जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखने वाले इस साल भी और फ्यूचर के अंदर भी। तो ये तो कंफर्मेशन हो चुकी है और हमारी खबर पर मोहर लग चुकी है, बुमराह कहीं नहीं जाने वाले, एमआई की टीम के अंदर रहने वाले है। तो बुमराह की तरफ से तो ये कंफर्म हो चुका है कि जितने भी सीजन खेलेंगे आईपीएल को मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से ही खेलने वाले है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले बड़े अपडेट की जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आ रहा है। यह अपडेट कैरन पोलार्ड की तरफ से निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कैरन पोलार्ड जो कि मुंबई इंडियंस की टीम के हमें दोस्तों बैटिंग कोच बनते हुए नजर आए थे आईपीएल 2023 के सीजन के अंदर, तो कैरन पोलार्ड हमें अब एक बार फिर से एमआई की टीम के बैटिंग कोच के तौर पर ही एमआई की टीम के अंदर नजर आने वाली है, तो हम सब जानते हैं। लेकिन अभी दोस्तों कैरन पोलार्ड जो है वो T10 लीग खेल रहे हैं और जैसे वो समाप्त होती है तो दोस्तों हमें इंडिया आते हुए कैरन पोलार्ड नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट बाहर निकल कर आ रही है। कैरन पोलार्ड, लसित मलिंगा जैसे खिलाड़ी हमें मुंबई इंडियंस की टीम के ऑक्शन टेबल के ऊपर नजर आ सकते हैं। महिला जयवर्धन, कैरन पोलार्ड, मार्क बाउचर और दोस्तों जहाँ तक बात की जाए लसित मलिंगा की, तो ये सब हमें मुंबई इंडियंस की टीम के ऑक्शन टेबल पर नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज्यादा जो दिग्गज खिलाड़ी जैसे कैरन पोलार्ड, लसित मलिंगा, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी हमें एमआई की टीम के ऑक्शन टेबल पर नजर आ सकता है। अगर मेगा ऑक्शन होता है, सारे के जो दिग्गज एमआई की टीम के कोचेस है वो सभी हमें एमआई की टीम के दोस्तों ऑक्शन टेबल पर बैठते हुए नजर आते थे। लेकिन अभी दोस्तों मिनी ऑक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि कैरन पोलार्ड आए या फिर लसित मलिंगा, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी हमें एमआई की टीम के ऑक्शन टेबल पर नजर बैठते हुए नजर आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक कोच हमें एमआई की टीम के ऑक्शन टेबल पर बैठते हुए नजर आ सकता है। वैसे आप लोगों की क्या राय है मुंबई इंडियंस की टीम के ऑक्शन प्लान को लेकर? और हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको एमआई की टीम के ऑक्शन प्लान से रिलेटेड भी वीडियो बनाकर बताई है कि एमआई की टीम के निशाने पर कौन से प्लेयर्स इस ऑक्शन के अंदर टारगेट लिस्ट में रहने वाले हैं, कौन से खिलाड़ियों को एमआई की टीम इस ऑक्शन में से खरीद कर अपनी टीम के अंदर शामिल करने वाली है। तो मैं लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर फटाफट वो वीडियो भी देख लीजिए। तो दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।